नमस्कार दोस्तों, सीजी पकवान में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ फ्रेंड्स ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमारे घर में बहुत ही काम आने वाली है, हमारे घर के काम को आसान बनाने वाली है, ढेर सारे पैसे बचाने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिया है एक कमीज़ है और कमीज़ के जो बटन लगे रहता है ना, वो जल्दी से ढीला होने लगती है, धागा टूटने लगता है। तो इसके लिए हमें एक काम कर लेना है जिससे कि बटन आसानी से नहीं खुलेगा। तो हमें यहाँ पर हमने नेल पॉलिश लिया है, एक पानी कलर वाला नेल पॉलिश है। तो इसे धागे के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे, आप पीछे के साइड भी लगा सकते हैं। तो मैं ऊपर की साइड लगा रही हूँ इस तरीके से। तो सारे जहाँ बटन लगे वहाँ पर हम इस तरीके से लगा देंगे धागों में, तो धागे लगे वहाँ, जिससे कि ये बटन ना आसानी से नहीं खुलेगा। तो इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलिए फिर अगले टिप्स हमें चार्जर को लेकर, हम चार्जर देखिए यहीं पर हमारा चार्जर ज़्यादा टूटता है, तो हमें क्या कर लेना है इसके लिए, हम यहाँ पर एक पाइप लिए हैं। अभी माजा वगैरह का जो पाइप मिलता है एक्स्ट्रा, उसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे छोटा सा कट कर रही हूँ, देखिए बीच से इसे काट लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो हमने काट लिए हैं, काटने के बाद चलिए इसे लगा लेते हैं। तो जहाँ पे यहाँ टूटा है वहाँ इसे लगा देंगे, अच्छे से फिट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टूटा है वहाँ मैं लगा रही हूँ इस तरीके से। चार्जर लगाए रहते, बच्चे वगैरह छूते रहते हैं, तो हमें करंट वगैरह लगने से बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से फिर चार्जर भी गंदा हो गया, चलिए मैं चार्जर को भी साफ़ कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे कोलगेट लिया है थोड़ा सा, और यहाँ पर कॉटन का कपड़ा लिया है, और इसमें अच्छे से चार्जर को साफ़ कर लेंगे। कोलगेट से अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इस तरीके से हमें साफ़ कर लेना है, और देखने में भी गंदा लगता है चार्जर जो गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद हमने फिर से दूसरा कॉटन लिया है, थोड़ा सा गीला कर लिया, बिल्कुल हल्का सा ही गले किए हैं। इसके बाद इसको अच्छे से पोंछ लेंगे, तो देखिए चार्जर साफ़ हो गया। चलिए फिर अगला टिप देखते हैं। अगले टिप्स में फ्रेंड्स यहाँ पर है मशीन को लेकर है, और मशीन में यहाँ पर मैं इस नारियल का यूज़ करने वाली हूँ। नारियल का कैसे यूज़ करना है चलिए मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक नारियल का एक छोटा सा रेसा ले लिया है, देखिए इस तरीके से। और इसके बाद जो बूछ वगैरह इसमें लगा है ना, उसको हम इस तरह निकाल देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमने एक पेन ले लिए हैं, और पेन लेने के बाद में इसको इसके अंदर डाल देंगे, देखिए ऊपर वाले हिस्से में। ये बहुत ही काम की चीज़ है फ्रेंड्स, इसे आप लोग ज़रूर बना के रख लीजिएगा। और यहाँ पे पेन के अंदर से निकाल लिए हैं, और इसके बाद में इसको इस तरीके से हम लगा देंगे, देखिए इस तरीके से। तो चलिए इसे यूज़ करके देख लेते हैं कैसे यूज़ करना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसका आप सुई में धागा लगाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसे बना के रख सकते हैं। और हमें धागा लगाने में बहुत ही परेशानी हो जाती है, तो इस तरीके से बना के रखेंगे तो धागा आप आसानी से इसमें लगा सकते हैं। मशीन सुई हो, आप किसी भी सुई में भी धागा लगा सकते हैं इस तरीके से। लगाने के बाद चलिए मैं धागा को निकाल के दिखा रही हूँ, और देखिए थोड़ा सा उल्टा साइड है ना, तो साफ़ नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से धागा को इसके ऊपर लगा देंगे, तो आसानी से मशीन में धागा लगा सकते हैं, देखिए तो जी तरीके से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसका यूज़ कर सकती है, इसे बना कर रख लीजिए, जब भी हमें धागा लगाना होगा तो आसानी से लगा सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स इसका दूसरा टिप्स है, जिसे आप इसको भी आप बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक रुपये का सिक्का, एक या दो रुपये का सिक्का ले सकते हैं। और उसके बाद इसको इस देखिए इस तरीके से हमने मोड़ लिए हैं, देखिए। और मोड़ने के बाद इसको इस तरीके से सिक्के के ऊपर रख देंगे, और रखने के बाद भी यहाँ पर हमने टेप लिया है, डबल साइड वाला टेप है। मेरे पास वो वाला टेप नहीं है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इसे इसे चिपका रही हूँ, और उसे भी आप इसी तरीके से बना के रख सकते हैं। और जैसे मैंने पेन वाला यूज़ कर रहे हैं ना इसे धागा लगाने के लिए, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं धागा लगाने के लिए। तो ये बहुत यूज़फुल है फ्रेंड, अगर सिलाई वगैरह करते हैं तो बहुत ही अच्छी सी टिप्स है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल में आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगला टिप देखते हैं। अगले टिप्स में फ्रेंड्स इस तरीके से कील वगैरह जब हम ठोकते हैं तो कई बार हाथ वगैरह लग जाता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह कपड़े वाला चिमटा ले लेना है। इसको इससे कील को पकड़ के इस तरीके से हम जब लगाएंगे तो आसानी से हमारा कील
लग जाएगा। तो अगले टिप्स में फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है केले का छिलका, तो इसे मैं मशीन को साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि केले वगैरह छिलका है, केले के छिलका है ना, बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम आता है। तो इस तरीके से जूते वगैरह है, लेदर के पर्स वगैरह, इसको भी आप साफ़ करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मशीन साफ़ कर रही हूँ, देखिए अच्छे से क्लीन हो गया है, धूल मिट्टी है ना सारा इसमें आ जाएगा, देखिए कितना सारा इसमें गंदगी निकला है, देखिए अच्छे से साफ़ हो गई है।